महाराष्ट्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं हमारे दोनों प्रत्याशी प्रवीण जी दटके और मोहन जी मते से अनुरोध करता हूँ कि वे शिवाजी महाराज की प्रतिमा देकर आदरणीय श्रद्धेय योगी जी का वो स्वागत करें। इसके बाद जिनके आवाज सुनने के लिए हम आतुर थे, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनको मैं अपने विचार यहाँ व्यक्त करने के लिए, हमें संबोधन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। वैसे बावनकुळे साहब का स्वागत भी करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, वंदे वंदे, नमः पार्वती पतये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, जिलाध्यक्ष नागपुर श्री जितेंद्र कुकड़े जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संजय भेड़े जी, मेयर नागपुर श्री दयाशंकर तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक मानकर जी, नागपुर मध्य से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण दड़के जी, नागपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मोहन मते जी, भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, गणेश टेकरी मंदिर नागपुर और कोराड़ी माता मां महालक्ष्मी का इस पावन धरा को, जिसने दुनिया के अंदर सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी, नागपुर की आप सभी जनता जनार्दन को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव आज महायुति महागठबंधन, जिसका नेतृत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय राजनेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महाअगाड़ी के नाम पर एक महाअनाड़ी गठबंधन है। न कोई नेता है, न कोई नीति है, और न ही उनके द्वारा देश और समाज के लिए कोई स्पष्ट नैतिक मूल्य ही उनके पास रह गए हैं।
बहनों और भाइयों, महायुति गठबंधन की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के अंदर बने, यही महाराष्ट्र के हित में है और यही देश के हित में है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं महान इस नागपुर नगर में आपके बीच यहां उपस्थित हुआ हूं। महाराष्ट्र ने देश को बहुत कुछ दिया, पूरा देश नागपुर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, महाराष्ट्र के प्रति आभार व्यक्त करता है। स्वराज्य हो इसकी परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज इसके उदाहरण हैं। एक राष्ट्र के रूप में परिकल्पना होनी चाहिए, ये महाराष्ट्र से पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक पूरे भारत को दिया। गणनायक से लोकनायक कैसे बनते हैं, ये महाराष्ट्र की धरती से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया। एक विधान और सब समान, यह भी नागपुर और महाराष्ट्र की धरती से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। ऐसी पावन धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो कृतज्ञता के भाव से सम्मान न देता हो। और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ हम सब महाराष्ट्र के अंदर इस चुनाव में आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, चुनाव में कांग्रेस अपनी पुरानी तोता रटंत बातों के साथ फिर से आई होगी। उनका महा अनाड़ी गठबंधन भी आपके पास गुमराह करने के लिए उन्हीं बातों को लेकर के आया है जिनके कारण देश और समाज की अपूर्णीय क्षति हो चुकी है, बार बार हुई है। ये फिर से जाति के नाम पे बांटने के लिए आए हैं, ये आपस में लड़ाने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती बनाने के लिए ये लोग फिर से आपके बीच षड्यंत्र करने के लिए आ गए हैं। और इसीलिए मैं तो देख करके भौचक हूं, पता नहीं मेरे किन बातों को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे मुझ पर लाल पीले हुए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस उम्र में उनको सच बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। खड़के जी, आप जिस बात को लेकर के मुझ पर लाल पीले हो रहे हैं, मुझ पे लाल पीला मत होइए, कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे दीजिए कि मैंने एक सच्चाई सबके सामने रखी है। खड़के जी का जो गांव रहा है वह बारावती गांव, ये हैदराबाद रियासत, हैदराबाद निजाम के रियासत का हिस्सा था। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने खड़के जी के गांव को भी, वहां पे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हैदराबाद निजाम के रजाकारों के द्वारा किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब पत्र लिखा था वहां के हिंदुओं के लिए, वहां के दलितों के लिए, कि जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है वे लोग वहां से छोड़ करके सुरक्षित महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं। और दुर्भाग्य से
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनकी चाची और परिवार के कई सदस्यों को भी निजाम के रजाकारों ने जला करके मार डाला था, पूरे गांव को जला के मार डाला था। बहनों और भाइयों, निजाम पर लाल पीला होने की बजाय ये निजाम का इतना दुस्साहस क्यों बढ़ा था? आपकी गणपति के गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव कैसे होता है? रामनवमी के जलूसों पर पथराव कहां होता है? और 1947 में देश के अंदर काटे गए लाखों हिंदू क्यों कटे थे? बहन और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के जलूसों पर, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर कोई हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई लव जिहाद और लैंड जिहाद करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और यही कहने के लिए, यही विनती करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि मैं एक योगी हूं, मैं एक योगी हूं, मेरा तो सब कुछ हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने तो हमें बताया है, हर काम देश के नाम। मेरा भी हर काम देश के नाम है। मेरा तो पूरा जीवन ही सनातन धर्म के लिए समर्पित है। तो फिर मुझ पे लाल पीला मत होइए, लाल पीला होइए उन लोगों पर, उस निजाम पर, उसके रजाकारों पर और उसके आदर्शों पर चलने वाले उन नेताओं पर जो हिंदू समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं, जो जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा, एक ऐसा भारत, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत 2014 के पहले इसी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी, पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसता था, पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता था। आज नया भारत आप देख रहे होंगे, ये नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। आज भारत अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पिछले 4.5 वर्षों से दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। भारत की आबादी 140 करोड़, 80 करोड़ लोग पिछले 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा हर माह प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी और वह भी रोटी के लिए मोहताज है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। अपने देश के अंदर आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए रसातल पर पहुंचाने का भी हिम्मत रखता है और अपनी विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना भी इसका एक उदाहरण है। आखिर यह काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी, देश की सीमाओं की सुरक्षा कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस कहती थी, जब हम लोग संसद थे बोलते थे कि भाई
पाकिस्तान आतंकी वारदात फैला रहा है, इसको रोको, इसको टोको, और नहीं मानता तो ठोको इसको। लेकिन कहते हैं संबंध खराब हो जाएंगे, बोलो मत, नाम मत लो। आज कैसे पाकिस्तान चिल्ला रहा है दुनिया में कि साहब बचाओ, भारत कभी भी मुझे तबाह कर सकता है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी कर सकती थी देश की सीमाओं की सुरक्षा, उसने नहीं की। देश की तुलना में उसको संबंध महत्वपूर्ण लगते थे, राजनीति की खातिर, वोट बैंक की खातिर और देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही थी। कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि धारा 370 तो उन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध डाली थी, इसलिए हटाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वोट बैंक की चिंता थी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी, अवसर मिले थे, नहीं किया। वो तो कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जैसे कि भारत का निर्माण इन कांग्रेसियों ने किया हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ही ये भारत बना हो। इनको नहीं मालूम कि भारत एक सनातन राष्ट्र है, सृष्टि के प्रारंभ से ही भारत का अस्तित्व है, और राम और कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस न विकास कर सकती है, कांग्रेस न सुरक्षा दे सकती है, कांग्रेस न विरासत का सम्मान दे कर सकती है, और कांग्रेस बेटी और बहन की सुरक्षा भी नहीं कर सकती। ये भी खतरे में, लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर कोई सख्त कानून बने, यह कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि उसे वोट बैंक पहले दिखाई देगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं बार बार कहता हूं, ये महाअघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी गठबंधन है, इनके लिए राजनीतिक स्वार्थ पहले है, देश नहीं, देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं, समाज की सुरक्षा इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं, देश की सुरक्षा इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। और मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि जिनके एजेंडे में देश नहीं, बेटी और बहन नहीं, देश की माटी नहीं, देश का युवा नहीं, देश का किसान नहीं, देश का व्यापारी नहीं, उसको क्यों चुन के हम भेजेंगे? उसको नहीं चुन के भेजना है जो देश के हित में काम करे, किसान के हित में, युवा के हित में, नौजवान के हित में, महिलाओं के हित में, किसान के हित में, व्यापारी के हित में काम करे, ऐसी सरकार चाहिए। और यह कार्य डबल इंजन की सरकार कर सकती है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की महायुति गठबंधन की सरकार कर सकती है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, काम फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ने लग गए। यूपी में 2017 से डबल इंजन की सरकार है, तो वहां आपने देखा होगा लैंड माफिया, लैंड जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर जो लोग पिछली सरकारों में कुछ करते थे, वे या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं, अब वहां नहीं कुछ होता। बहनों और भाइयों, जितने दुर्दांत माफिया थे वहां के, वे सब भी राम नाम सत्य है कि यात्रा में जा चुके हैं। और इसीलिए मैं आप सब नागपुरवासियों को आह्वान करने के लिए आया हूं, 20 नवंबर को चुनाव है, हरियाणा ने हैट्रिक लगा करके साबित कर दिया है कि देश को भाजपा ही आगे बढ़ा सकती है, और विकसित भारत की परिकल्पना को केवल भाजपा साकार कर सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी चुनाव है,
झारखंड के अंदर कल पहले चरण का चुनाव होना है और 20 नवंबर को दूसरे चरण का अंतिम चरण का चुनाव होना है। मैं महाराष्ट्रवासियों से कहूंगा, झारखंड तय कर चुका है कि डबल इंजन सरकार ही बेटी रोटी और माटी की रक्षा झारखंड के अंदर कर पाएगी।